गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम। नंबर थर्ड, द स्पॉटेड काउ। आई होप यू ऑल आर वेरी फिट एंड फाइन। लेट्स स्टार्ट। आज अपन करेंगे ग्रामर जोन। पेज नंबर निकालिए अपनी बुक का 21। पेज नंबर कौन सा निकालेंगे आप अपनी बुक का? 21 पेज नंबर आपको निकालना है। कलेक्टिव नाउंस आज अपन क्या पढ़ेंगे? कलेक्टिव नाउंस। कलेक्टिव नाउंस आर नेम्स ऑफ अ कलेक्शन ऑफ अ नंबर ऑफ पीपल। मतलब कि जो ग्रुप होता है, जो समूह होता है, वो क्या कहलाता है? कलेक्टिव नाउन। और थिंग्स मतलब चीज़ों का, थिंग्स यानी क्या होती है? चीज़ें। वर्ड्स देखो, नाउन क्या होता है? नाउन होता है एनी थिंग्स, एनी प्लेस, एनी पर्सन, एनी एनिमल्स। अब इन सब का जो ग्रुप होता है वो क्या कहलाता है? कलेक्टिव नाउंस कहलाता है। वर्ड्स लाइक ग्रुप, फैमिली, फैमिली में भी ग्रुप होता है, मम्मी पापा, मदर फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल आंट, तो ये सब क्या है? फैमिली के लोग हैं, मेंबर है, तो इनका भी एक ग्रुप होता है। फर्नीचर्स आर कलेक्टिव, फर्नीचर में भी होता है डाइनिंग टेबल, सोफा, ये सब इनका क्या है? ग्रुप है। रीड दीज सेंटेंसेस। अब आपको क्या करना है? सेंटेंसेस को पढ़ना है। अ चोर ऑफ सिंगर्स सैंग एट द कॉन्सर्ट। मतलब एक संगीतकारों का समूह है जो जो ऑनलाइन गाते हैं, वो संगीतकारों का एक समूह। फिर सेकेंड है द बुके ऑफ फ्लावर्स इज लवली। फ्लावर्स क्या होते हैं? फूल्स होते हैं। फूलों का एक गुच्छा क्या कहलाता है? बुके कहलाता है। तो ये भी बुके क्या है? कलेक्टिव नाउन है। फिर है द हर्ड ऑफ शीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। फील्ड क्या होता है? खेत। और हर्ड ऑफ शिप, शिप का जो झुंड होता है उसको क्या बोलते हैं? हर्ड। इज ग्रेजिंग, ग्रेजिंग यानी क्या होता है? घास, वो घास को खा रही है। कौन खा रहे है? एक शिप। शिप यानी क्या होती है? भेड़, भेड़ों का झुंड। इन ईच ऑफ दीज सेंटेंसेज द वर्ड्स चोर, बुके, हर्ड आर नाउन दैट स्टैंड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। जो ये आपको ब्लू कलर के दे रखे हैं ना, बुके, हर्ड, ये क्या होते हैं? एक ग्रुप को मेंशन करते हैं ये जो वर्ड्स है। एग्जांपल्स, अ बंच ऑफ की। बंच यानी क्या होता है? गुच्छा। ऑफ कीज, कीज क्या होती है? चाबियां, एक चाबियों का गुच्छा। एन आर्मी ऑफ सोल्जियर, सैनिक। सोल्जियर्स कौन होते हैं? सैनिक। अ पैक ऑफ कार्ड, जो आप ताश के पत्ते खेलते हैं उनका जो पैक ऑफ कार्ड्स होते हैं। लुक एट द पिक्चर एंड कम्प्लीट द कलेक्टिव नाउंस वन हैज बीन डन फॉर यू। आपको ये पिक्चर देख के इनको कम्प्लीट करना है। अ पैक ऑफ, अ पैक ऑफ किसका होता है? लॉयन का। तो आप फर्स्ट, पैक ऑफ लॉयंस का होता है क्या? या वुल्फ का? डब्ल्यू ओ एल वी ई एस। फर्स्ट में आप क्या लिखोगे? डब्ल्यू ओ एल वी ई एस, अ पैक ऑफ वुल्स। फिर सेकेंड ऑलरेडी किया हुआ है, अ पाइल ऑफ बुक्स। पाइल यानी क्या होता है? ढेर, मतलब ये बुकों का ढेर। थर्ड है प्राइड ऑफ, एक गौरव क्या है? लॉयन। नेशनल एनिमल कौन सा है? लॉयन। तो प्राइड ऑफ लॉयन, तो थर्ड में क्या आएगा? एल ओ एल आई ओ एन, लॉयन। फोर्थ है अ बुके ऑफ फ्लावर्स, एक फूलों का गुच्छा। तो फोर्थ में क्या लिखोगे? फ्लावर्स, एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर एस, फ्लावर्स। फाइव है स्वार्म ऑफ बी, बीज। बीज क्या होती है? मधुमक्खियाँ। मधुमक्खियों का भी क्या होता है? झुंड होता है। और मधुमक्खियाँ कहाँ रहती है? बिहाइव में। मधुमक्खियाँ जहाँ रहती है, मधुमक्खी छत्तों को क्या बोलते हैं? बिहाइव। और उसके झुंड को क्या बोलते हैं? स्वैम। तो फिफ्थ में क्या लिखोगे आप? बीज, बी डबल ई एस, बीज। इसके अंदर पिक्चर्स को देख के लिखना है आपको। तो पिक्चर्स में ये क्या है? छोटी छोटी, ये छोटी छोटी क्या है? बीज। फिर अब अपन इसको मैच करते हैं। मैच द कलेक्टिव नाउंस टू द नाउन इट गोज विद। ये जो कलेक्टिव नाउंस दे रखे हैं अपन को, इसको अपन को एक दूसरे से मैच करना है। तो फर्स्ट है अ बोल्ड ऑफ। अ बोल्ड ऑफ किसका होगा? कोइंस का होगा। पिज्जा है, राइस या लाइटिंग? अ बोल्ड ऑफ लाइटिंग। तो अपन किसको मैच करेंगे इसको? अ बोल्ड ऑफ लाइटिंग। सेकेंड है अ बुके ऑफ। बुके किसका होता है? बुके ऑफ फ्लावर। फ्लावर कहाँ है? लाइटिंग के नीचे। अ बाउल ऑफ, एक बाउल क्या होता है? कटोरी। बाउल ऑफ किसका होगा? राइस का होगा, आर आई सी राइस, अ बाउल ऑफ राइस। फोर्थ है अ कलेक्शन ऑफ। अब लोग किसका कलेक्शन करते हैं? कॉइन्स का कलेक्शन करते हैं, सिक्कों का। तो फोर्थ में आप क्या लिखोगे? कॉइन्स, सी ओ आई एन एस, कॉइन्स। फिर अ स्लाइस ऑफ, स्लाइस मतलब एक टुकड़ा। टुकड़ा किसका होगा? पिज्जा का। तो फिफ्थ आप किस में मैच करोगे? पिज्जा, स्लाइस ऑफ पिज्जा। फिर है सिक्स, अ बेल ऑफ हे। अ बेल ऑफ हे, एक घास की गठरी।
सेवन है अ चेस्ट ऑफ, चेस्ट यानी संदूक भी होता है, तो सेवन का क्या होगा, चेस्ट ऑफ ड्रॉअर, ड्रॉअर किसका होता है, वुडन का, लकड़ी का होता है। एट है अ क्लाउड ऑफ, क्लाउड यानी बादल, अब बादल किसका, बादल, तो आप इसमें क्या लिखोगे, डस्ट, डी यू एस टी, डस्ट मतलब एक धूल का भरा हुआ बादल, डस्ट। नाइन है अ स्टैक ऑफ, स्टैक ग्रुप किसका, स्टैक ऑफ में आप क्या लिखोगे, स्टेयर्स, स्टैक ऑफ पेपर, सॉरी स्टैक ऑफ पेपर्स मतलब पेपर्स का ढेर, स्टैक यानी ढेर होता है, स्टेयर्स का ढेर नहीं होता है, पेपर्स का होता है, तो स्टैक ऑफ पेपर्स। फिर अटेन अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। फिर इलेवन अ ट्यूब ऑफ, ट्यूब किसकी होती है, टूथपेस्ट की, तो आप इसमें क्या लिखोगे, टूथपेस्ट। अ लूफ ऑफ, अ लूफ मतलब रोटी, पाव रोटी, लूफ यानी क्या होता है, पाव रोटी, तो रोटी किसकी, ब्रेड, तो इसको कहाँ लिख दोगे, ब्रेड में इसको मैच कर दोगे। ये आपको अच्छे से अपनी बुक के अंदर मैच करना है और अपनी नोटबुक के अंदर भी लिख के इसको मैच करना है। नेक्स्ट फन टाइम आइडियाज, शिवम लॉस्ट हिज इंग्लिश बुक इन स्कूल, शिवम अपनी इंग्लिश की बुक है वो स्कूल के अंदर भूल गया। ही पुट अप अ नोटिस ऑन द लॉस्ट एंड फाउंड बोर्ड, रीड इट, उसने एक नोटिस लिखा। अब इसने क्या नोटिस लिखा, देखो, योर अटेंशन प्लीज, लॉस्ट माई इंग्लिश बुक इन इन स्कूल, मैं अपनी इंग्लिश की बुक स्कूल में भूल गया हूँ। यस्टरडे मतलब कल, टुमारो यानी आने वाला कल, आज है टुडे, और जो बीत गया वो क्या कहलाता है, यस्टरडे, तो वो कल, अब यस्टरडे के अंदर, यस्टरडे के दिन उसकी इंग्लिश की बुक गुम हो गई। कल इफ फाउंड, यदि मिले, प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी इन क्लास, प्लीज़ मुझसे कॉन्टैक्ट करके मुझे दीजिए, और वो अपना नाम वगैरह लिख देता है। तो आपको भी ये करना है, इमेजिन यू हैव, अब आप इमेजिन करो कि आप अपना अम्ब्रेला स्कूल के अंदर भूल गए हो, अब आपको एक नोटिस लिखना है, तो आपको क्या करना है, ये वाली लाइन सेम टू सेम लिखनी है, योर अटेंशन प्लीज, ये लिखना है। फिर आप क्या लिखोगे, लॉस्ट माई इंग्लिश बुक की जगह आप क्या लिखोगे, अम्ब्रेला, इंग्लिश बुक की जगह आपको क्या लिखना, लॉस्ट माई अम्ब्रेला इन स्कूल यस्टरडे, इफ फाउंड प्लीज कॉन्टैक्ट मी, अब वी सी की जगह आप क्या लिखोगे, क्लास थर्ड, आपकी जो क्लास थर्ड है आपको वो लिखना है, और शिवम रंजन की नाम की जगह आप अपना खुद का नाम लिखना है, और यहाँ रोल नंबर है वहाँ पे आपको अपने खुद के रोल नंबर लिखने हैं। ये हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट, नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर फोर्थ करेंगे, द सी। थैंक यू।